जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बिना चावल के खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये मोरधन या समा का चावल लिया है, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून छिलके वाली मूंग की दाल ली है, आप सादा दाल भी ले सकते हैं धुली हुई। 2 टीस्पून मैंने प्री हीट कुकर में घी डाला है, खिचड़ी घी में ही अच्छी लगती है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें ये थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, हिंगड़ा, गैस को कम कर देंगे। ये केला लिया है मैंने कच्चा, इसे छील कर रख लिया है। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। केले को इस तरह से, कच्चा केला लिया है ये मैंने, इसको इस तरह से छील कर लंबी स्लाइस में कट किया है, आप दूसरी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। ये लौकी को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है छील के, अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। 1 मिर्च ली है, ये लाल जो फ्रिज में ही रखी हुई लाल हो जाती है, हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे। 1/4 चम्मच से थोड़ी सी कम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। ये दाल और समा चावल या फॉक्सटेल मिलेट, स्मॉल मिलेट, इन्हें मिला देंगे, नाप लेंगे इससे। ये 1/2 कटोरी हमने लिया है, जो भी बर्तन आप मेजरमेंट के लिए लेते हैं उसी से सारी चीजें मेजर करनी है। 1/2 कटोरी पानी हम डाल चुके हैं समा चावल और दाल के साथ, 2 कटोरी पानी इसमें और डालेंगे, आप कोई भी बोल ले सकते हैं। अगर आप खिली खिली खिचड़ी पसंद करते हैं तो पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। मिर्च को भी इस तरह से कट करके डाल देंगे इसमें, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। फुल पर ही इसे 2 सीटी लेकर स्टीम देना है, 2 सीटी के बाद हम चेक करेंगे। हम लोग थोड़ी घुली हुई और लिक्विड खिचड़ी पसंद करते हैं। ये देखिए, अब इसको 2 मिनट के लिए मैं फुल पर ही थोड़ा स्टीम दूंगी, बॉईल करूंगी, ढक्कन नहीं लगाना है। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ठंडा होने देंगे अपने आप ही इसे, क्योंकि खिचड़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी जम जाती है। ये टाइफाइड सीरीज की 3rd रेसिपी है। इसमें ये टमाटर कट करे हैं हमने, 1 टमाटर लिया था, आधा हमने कट कर लिया है, पल्प और जूस के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है, ये सेहत के लिए फायदा करता है। टाइफाइड में चावल की खिचड़ी परमिटेड नहीं होती है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए ये इस मिलेट की खिचड़ी आप दीजिए, ये बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और इजीली डाइजेस्टेबल होती है। ये तैयार है गर्मा गर्म खिचड़ी, इसे आप सलाद और दही के साथ सर्व कीजिए। दही में मैंने थोड़ा भुना जीरा और सूखा पुदीना पाउडर डाला है। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।